सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। ते मैं आ जज सिंह चाहल। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों तीन धिरां नूं SYL दे मुद्दे ते हदायतां जारी कीतियां गईआं सन। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार अते पंजाब सरकार के तिन्ने धिरां आपस विच बैठ के SYL दा मसला सुलझाओ अते उस तों बाद सानूं रिपोर्ट दिओ। इस मसले नूं लै के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट नूं दस्सिआ कि पंजाब दे मुख मंत्री दे वल्लों इस मसले दे विच सहयोग नहीं किया जा रहा है। मीटिंग दे विच पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान नहीं आ रहे। उस तो बाद आम आदमी पार्टी दी पंजाब सरकार ते विरोधियों दे वल्लों वार कीते जाण लग पए सन कि आखिर पंजाब दा मुख मंत्री SYL वर्गी इंपोर्टेंट बैठक दे विच क्यों नहीं जा रहा। उस तो बाद अरविंद केजरीवाल ते सब दीआं निगाहां टिक गईआं सन कि उह SYL दे मुद्दे ते आखिर स्टैंड की लैणगे, क्योंकि पंजाब दे विच पूरी तरह यह चर्चा जोर ते सी कि भगवंत मान अपने वल्लों कोई भी स्टैंड SYL ते नहीं लै सकते। जो अरविंद केजरीवाल कहणगे उही भगवंत मान ने कहना है। अरविंद केजरीवाल ते निगाहां सन। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हरियाणे। प्रधानमंत्री बनण लई उन्हां दे वल्लों चोण मुहिम की शुरुआत की गई हरियाणा के हिसार तो। इस मौके उन्हां दी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच नाल सन पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान। पहला ही सवाल पत्रकारां दे वल्लों अरविंद केजरीवाल नूं SYL दे मुद्दे ते पूछ लिया गया कि अपना स्टैंड स्पष्ट करो कि तुसीं SYL बारे की कहना चाहोगे। तो सारी गल इत्थे अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार ते सुट दित्ती है। सब तो पहला तुहानूं अरविंद केजरीवाल का बयान SYL दे मुद्दे ते सुना दिंदे आ। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करें। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम यह नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है, हमें आपस में लड़ना नहीं है। और यह संभव है, हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पंजाब के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें, हरियाणा के लिए भी पर्याप्त पानी का इंतजाम करें। और अगर उनके पास समाधान नहीं है, मेरे को बुला लें, मैं उनको समाधान बता दूंगा। लेकिन बैठ के इसका समाधान करना पड़ेगा। ये स्टैंड लेने से पंजाब में जाओ तो एक स्टैंड ले लो, हरियाणा में जाओ दूसरा स्टैंड ले लो, ये स्टैंड की राजनीति ने पूरा गड़बड़ कर दिया। अरविंद केजरीवाल दे इस बयान तो बाद बिल्कुल उही होया जिस बारे पहला ही चर्चा चल रही सी कि जो केजरीवाल कहेंगे उही मुख्यमंत्री पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कहेंगे। हुण मुख्यमंत्री पंजाब तो पुछया गया, भगवंत मान तो पुछया गया कि जिहड़ियां मीटिंगां लई आवाज़ां पै रहियां ने, तुहानूं चिट्ठियां लिख रही है केंद्र सरकार, तुसीं उस बैठक दे विच जांदे क्यों नहीं अते SYL ते तुहाडा की स्टैंड है? तां भगवंत मान ने की जवाब दिता है। मुख्यमंत्री दा बयान भी तुहानू सुनाउणा बहुत जरूरी है। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री की कोई मीटिंग केंद्र सरकार की, जो कहते हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि दोनों मीटिंग कर लें, हम मिलने को तैयार हैं, मुझे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसा कि अरविंद जी ने कहा, केंद्र सरकार का यह फर्ज बनता है कि वो इस समस्या का समाधान करे, ना कि दोनों को मीटिंग में बिठाकर उसके बाद बाहर आकर अपने अपने वक्तव्य देने के लिए उनको छोड़ दें। तो मैं पंजाब एज ए हेड ऑफ द स्टेट इन पंजाब, मैं जाने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री साहब हरियाणा के आए, बातचीत करेंगे, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार जो है वो बाकी कामों के लिए राज्यों पर बहुत कुछ थोपती है। आप ये नहीं कर सकते GST, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार जो है वो पंजाब का पानी पूरा कर दे पंजाब के पास, और हरियाणा का पानी भी पूरा कर दे। हरियाणा में भी जैसा कहा कि दोनों भाई हैं छोटे, हरियाणा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, तो हमें लड़ाने की बजाय वो समाधान निकालें। इस तरीके नाल आम आदमी पार्टी दे वल्लों इस मुद्दे का तोड़
कढ़ लिया गया है। उन्होंने अपना स्टैंड की रखना है इस बारे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने मता पास कर लिया है कि सारी गल केंद्र सरकार से सुट देनी है, ना पंजाब का पक्ष पूरना है अते ना ही हरियाणे का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहली बार गलती कर चुके सन। वो पंजाब आए सन, कह दिता पंजाब का पानी सिर्फ पंजाब का ही है, हरियाणे गए उत्थे जाके कह दिता पंजाब का पानी हरियाणे का भी है, दिल्ली गए उत्थे जाके कह दिता कि पंजाब का पानी हरियाणे का भी है, दिल्ली का भी है तो राजस्थान का भी है। इस तरीके नाल उन्हां दे वल्लों तीन स्टैंड लए गए सन अते हुण इसका तोड़ आम आदमी पार्टी ने यह कढ़िया है कि छड्डो किसी का भी पक्ष नहीं पूरदे, सारी गल केंद्र सरकार से सुट दिने, क्योंकि हुण आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभर रही है अते सारे सूबियां दे विच आम आदमी पार्टी ने भी चोणां लड़नियां ने अते किसी भी सूबे नूं नाराज नहीं करना चाहुंदी आम आदमी पार्टी। पर गल जेकर कीती जावे खेतरी पार्टियां दी तां उह बड़े जोर शोर दे नाल अपने सूबे का पक्ष पूर दिंदे ने। पंजाब की खेतरी पार्टी की गल करिए, श्रोमणी अकाली दल की गल करिए, बीते दिन बिक्रम सिंह मजीठिया तो भी इस मुद्दे बारे पूछा गया सी, उन्होंने की कहा सी, उन्होंने प्रतिक्रिया भी तुहानू सुना दिंदे आ। पंजाब दे कोल पानी नहीं है देन नू, और एस वाई एल दे मुद्दे उत्ते जो जल शक्ति मिनिस्टर साहब ने पिछले कुछ दिनों च बयान दे के गए है चंडीगढ़ के मुद्दे से चाहे BBMB के मुद्दे से, उहदे ते पंजाबी नहीं सहमत, ना असी कोई नहीं सहमत। पंजाब BBMB ते हक सब तो ज़्यादा पंजाब दा, इसलिए 60% अफसर उत्थे पंजाब दे लगदे, और उत्थे राजस्थान जा हरियाणा जा दिल्ली दा बराबर दा हक नहीं है, और इस तरह चंडीगढ़ पंजाब दे पिंडां नूं उजाड़ा करके बनया, इत्थे हक पंजाब दा है, और पंजाब दी राजधानी ये पार्लीमेंट ने उस वेले अप्रूव कीती हुई है कि होनी चाहिए है पंजाब दी राजधानी, इसलिए कोई की कवे वो नहीं। मैं तो पंजाबियों की भावना व्यक्त करता, और मैं समझता चाहे मेरे पंजाब के भाजपा के वीर ने वो भी मेरे नाल सहमत होंगे। इस तरीके नाल खेतरी पार्टी होने के नाते श्रोमणी अकाली दल नूं ये पूरी खुल है कि वह एक सूबे का पक्ष ले सकते हैं अते सीधे तौर पर वह पंजाब के हक दे विच बोलदे दिखाई देंदे ने। हालांकि इल्जाम अकाली दल ते भी लगते हैं कि जो पंजाब दे विच उन्हां दी सरकार सी SYL दे शुरू करवाउण दे विच उस वेले दी सरकार का भी योगदान सी, अकाली दल इस इल्जाम नूं नकारदा आया है। पर राष्ट्रीय पार्टियां जिन्नियां भी ने वह किसी भी एक सूबे का पक्ष नहीं लै सकदियां। पहला कांग्रेस अते भारतीय जनता पार्टी का यह हाल सी अते हुण यही हाल आम आदमी पार्टी का भी हुंदा दिखाई दिंदा है। गल जेकर पंजाब दे आम आदमी पार्टी के आगुआं दी कीती जावे तां उह अजिहे मुद्दियां ते बिल्कुल नहीं बोलदे, इत्थों तक कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नहीं बोले सन उन्नी देर तक जिनी देर तक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे ते अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कीता सी। पर मुख्यमंत्री भगवंत मान दे सामने यह चुनौती जरूर सी कि आखिर वह करनगे की वह अपनी ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि हरियाणे दे विच आम आदमी पार्टी ने गरंटी दी है हरियाणे के लोगों नूं कि हरियाणे दे विच साडी सरकार बनाओ, पंजाब का पानी हरियाणे के खेतों तक असीं पहुँचावांगे, ये साडी गरंटी है। ये सवाल उठ रहे सन कि हुण अपनी पार्टी की खिलाफत करनगे भगवंत मान जां फिर पंजाबी होने के नाते पंजाब का पक्ष पूरणगे, पर उन्होंने दोनों विचों कुछ नहीं किया। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा उही कुछ हुण भगवंत मान के वलों भी आख दिता गया है। इत्थे एक सवाल असीं तुहाडे कोलों भी पुछ लैणा चाहुंदे आ कि जो ये SYL ते स्टैंड आम आदमी पार्टी ने लिया है कि तुसीं उन्हां दे इस स्टैंड दे नाल सहमत हो, ठीक स्टैंड लिया है जां फिर नहीं। जो भी तुहानूं लगदा है कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इसे तरह ही हर खबर नूं निरपक्षता नाल वेखदे रहना चाहुंदे हो तां YouTube ते द पंजाब TV दे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, Facebook ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा, तुसीं देखदे रहो द पंजाब TV, हर खबर दा सच।